हेलो फ्रेंड्स, किरण द नेटर पे आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत ही सुंदर डिज़ाइन। ये दो रंग का डिज़ाइन है, देखिए। ये आप किसी भी तरह के स्वेटर पे डाल सकते हैं, जहाँ आपको दो रंगों में डालना हो। देखिए, बहुत सुंदर लगता है। अब इसको देखेंगे हम कैसे डालते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसके लिए मैंने 17 फंदे लिए हैं। ये डिज़ाइन जो है 3-3 के मल्टीपल में चलता है, और आप 3-3 के मल्टीपल करके +2 फंदे कर लीजिए इसमें। जैसे मैंने 15 करके 3 के मल्टीपल करके 15 और +2 कर लिए हैं। 17 फंदे मैंने इसके लिए रखे हैं। और मैंने इसके लिए फ्रेंड्स 9 नंबर की सिलाई यूज़ की है। ये वूल थोड़ी मोटी है, इसलिए मैंने इसकी 9 नंबर की सिलाई यूज़ की है। अब देखते हैं इसको हम कैसे डालेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इसकी ये फर्स्ट रो है। फर्स्ट रो में हम पहला फंदा इसका सीधा बुनेंगे, देखिए ऐसे। फिर हम 3 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2 3। 3 फंदे सीधे बुनने के बाद देखिए, ये जो फंदा है, ये पहला पहला और दूसरा दो फंदे छोड़ के, ये जो तीसरा फंदा है इसका, ये वाला, इसको हम इसके दो फंदों के ऊपर से ऐसे निकाल देंगे, देखिए ऐसे। देखिए ये हमारा एक फंदा घट गया है। फिर हम धागा आगे करेंगे और फिर 3 फंदे बुनेंगे, देखिए ऐसे। यहाँ जाली आएगी एक धागा आगे करने से, और फंदा भी बढ़ जाएगा साथ के साथ। 1 2 3, देखिए 3 फंदे बुन लिए मैंने ये जाली डालने के बाद। और ये फिर हम वैसे ही करेंगे, ये फंदा, तीसरा फंदा इसके ऊपर से हम दो फंदों के ऊपर से निकाल देंगे, देखिए ये जाली वाला है जाली। अब हम इसको ऐसे ही डालते जाएंगे, देखिए धागा आगे लाएंगे, 3 फंदे बुनेंगे, देखिए 1 2 3। बहुत ही इजी डिज़ाइन है। और ये तीसरा फंदा जो है इसका, ये दो फंदों के ऊपर से ऐसे हम निकाल देंगे, देखिए देखिए ये ऐसे आएगा। फिर हम धागा आगे लाएंगे, फिर 3 फंदे बुनेंगे, 1 2 3, देखिए। और फिर जो ये हमारा तीसरा फंदा है, हम इसके ऊपर से, दो फंदों के ऊपर से हम इसको निकाल देंगे, देखिए ऐसे, देखिए ऐसे आएगा ये। फिर धागा आगे लाएंगे और 3 फंदे बुनेंगे, देखिए 1 2 और 3। ये फर्स्ट रो है हमारी कंप्लीट होने वाली है, देखिए ये ऐसे करके यहाँ से ऊपर से निकाल देंगे। ये ऊपर से निकालने के बाद लास्ट में फ्रेंड हमारे पास, फ्रेंड्स ये एक फंदा बचेगा, इसको हम सीधा बुन लेंगे। आपने ये इसके फंदे वैसे ही डालने हैं जैसे मैंने बताया है, नहीं तो ये डिज़ाइन सारा गड़बड़ हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, रो नंबर 2 में आगे हम रो इसकी जो रोंग साइड वाली रोज हैं सारी, फ्रेंड्स हम उल्टी बुनेंगे, देखिए ऐसे। ये सारी रोज हमारी रोंग साइड वाली जितनी भी आएंगी, ये उल्टी आएंगी, देखिए ऐसे। इसको हम पूरी को, देखिए इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, 2 रोज डालने के बाद ये ऐसा दिखने लग जाएगा। एक कलर की हम 2 2 रोज डालेंगे। अब हम इसकी थर्ड रो में हैं। अब हम इसका दूसरा कलर लगाएंगे, वाइट कलर। लाइट कलर आप कोई भी लगा सकते हैं, देखिए इसको हम वाइट कलर लगाएंगे। सीधा फंदा बुन लेंगे एक वाइट कलर से, फिर दूसरा फंदा भी सीधा बुन लेंगे, देखिए ऐसे। दो फंदे इसके सीधे बुन लेंगे, फिर इसका धागा आगे लाएंगे, देखिए, और 3 फंदे सीधे बुनेंगे, देखिए ऐसे, 1 2 3।
और थ्री, देखिए, दो फंदे सीधे बुने पहले, फिर धागा आगे लाए, एक जाली डाली, फिर तीन फंदे हमने सीधे बुने, और ये फिर वैसे ही हम करेंगे। ये जो तीसरा फंदा है इसको ऊपर से हम ऐसे निकाल देंगे, देखिए ऐसे, फिर यहाँ धागा आगे लाएंगे, और ये देखिए तीन फंदे हम सीधे बुन लेंगे वैसे ही, देखिए ऐसे। और ये तीसरा फंदा जो है ये हम इसके ऊपर से निकाल देंगे, देखिए थोड़ा सा इसमें बस फर्क है ये कि आपको यहाँ से दो फंदे सीधे डालने के बाद ये आगे धागा करके जाली डालनी है, फिर ये डिज़ाइन आगे स्टार्ट करना है। फिर फ्रेंड्स ये वाली रो हम वैसे ही सारी पूरी करेंगे, देखिए धागा आगे लाएंगे और तीन फंदे हम सीधे बुन लेंगे, देखिए ऐसे। और ये तीसरे वाला फंदा जो है इनके ऊपर से निकाल देंगे, फिर धागा आगे लाएंगे, देखिए देखिए, वन टू और थ्री, देखिए ऐसे। और ये हमारा तीसरा फंदा जो है हम इनके ऊपर से निकाल देंगे ऐसे। और देखिए फ्रेंड्स ये लास्ट में दो फंदे हैं, जैसे हमने दो फंदे पहले बुने थे वैसे ही लास्ट में हैं, पर यहाँ पे फिर वैसे ही हम एक फंदा बढ़ाएंगे, धागा आगे लाएंगे, देखिए, और इसको हम दो फंदों को सीधा बुन देंगे, देखिए फ्रेंड्स ऐसे। देखिए फ्रेंड्स रो नंबर फोर में हैं हम, रोंग साइड की। रोंग साइड की मैंने आपको बताया जैसे कि ये सारी रोज हमारी उल्टी आनी है, देखिए इसको हम बुनना शुरू करते हैं ऐसे। इसकी जो रोंग साइड वाली रोज हैं इस डिज़ाइन की, इसमें ये आसानी है, सब इसकी इसको हम उल्टा ही कंप्लीट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स इसकी मैंने फोर रोज कंप्लीट कर ली है और देखिए डिज़ाइन आ गया है। अब बस आप इसकी ये 1 to 4 रोज़ बार बार रिपीट करते रहिए, ये डिज़ाइन आता जाएगा। आप इसको मल्टी कलर में भी डाल सकते हैं, जैसे इसमें और कलर भी लगा सकते हैं, आगे दो दो रोज़ डाल के आप कलर चेंज कर सकते हैं। देखिए अब हमारा ये वाला कलर आगे चलेगा, ये वाले कलर से हम डालेंगे, और ये फोर लाइंस आप बार बार रिपीट करते जाइए और बहुत ही सुंदर डिज़ाइन बन के तैयार होगा। देखिए डिज़ाइन बन गया है। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू।